प्री मानसून बारिशों के पहले स्पेल ने कराची में नालों की सफाई की सूरतहाल की कली खोल दी है। बारिश के पानी नाले में भरने के बाद अब गलियों और घरों की जीनत बना हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे 92 न्यूज की नुमाइंदा नाजिश अयास से। नाजिश अयास, ये बारिशों का पहला स्पेल है और सूरतहाल हम देख रहे हैं इंतहाई गंभीर हो चुकी है। जिला इंतजामिया सिंध हुकूमत मुतहरिक हुई है। जी, अब से गुजर पहले हम आपको मुसलसल ये दिखा रहे थे कि गुजर नाले का मेन जो कचरा जो है उसको हम दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि कितनी बुरी सूरतहाल है। अब मैं मौजूद हूँ आबादी में, जो इससे मिलाकर आबादी है, और वहाँ की जो सूरतहाल है वो आप देख रहे हैं कि मैं खुद इतने गंदे गटर के पानी में खड़ी हुई हूँ। यहाँ के लोगों का क्या हाल है, क्योंकि हम तो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और इन लोगों की आवाज़ बनकर, तो आप सोचें कि इन लोगों का क्या हाल होगा जो कब से यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानती हूँ कि क्या सूरतहाल रहती है। 7 फुट के जितना पानी चल रहा था इधर, कि बंदा डूब जाए तो पता ही ना पड़े, इतना बेतरवा चला जा रहा, इतना कि हम घरों में इतने बेचैन हैं, पूरी रात नहीं सोए, पूरा दिन हमें ऐसा कोनो ना लाइट होती है ना वो इधर से ये पानी का वो होता है, दोनों तरफ से पानी इसी तरह से आता है। अगर जो हम घर में हैं तो हम घर में ही बंद रहेंगे, नीचे अगर जो हमारा ऊपर है छत पे चढ़ने का वो, तो हम घर पे ऊपर चले जाएंगे और नीचे का नजारा अपने घर का देखते रहेंगे कि कैसा हमारे घरों में पानी तैर रही है। लेकिन कोई नहीं आके देखता, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता। हाँ, वैसे होंगे तो सब आ जाएंगे, वहाँ से वो नाले का ढेर लगा के कचरा सब ढेर ऊपर हमारे वहीं लगा के चलेगा, जो पानी ज़रा जरूर जाता था वो भी नहीं जा रही। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलाका मकीन कह रहे हैं कि वो जब बारिश होती है तो जब जिस तरीके से नदी भरती है तो वो महसूर होकर रह जाते हैं। जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि जब बारिश होती है एक तो घरों में महसूर हो जाते हैं, कचरा गटर गंदा पानी नदी का पानी पूरा गलियों में भरा होता है। जो एक निकासी का यहाँ पे कुछ इंतज़ाम था उसको भी यहाँ के इंतज़ाम यानी कचरा भर भर के बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे लोग जो है बस अफसर आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं यहाँ पे, और ऑपरेशन के नाम पर कुछ जो है थोड़ी सी वीडियो बनवा के चले जाते हैं, लेकिन आवाम की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। जी, जबकि दूसरी जानब कराची में वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने जमा होने वाला बारिश का पानी निकाल दिया गया है। ताहम इसके अतराफ के इलाकों में खड़ा पानी आम शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा करता चला जा रहा है। रेड जोन में पानी की सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा 92 न्यूज रुमेल के ने हमारे साथ मौजूद है, उनसे सूरत हाल का जायजा लेंगे। रुमेल, बताएगा आप यहाँ पर किस तरह के मनाज़िर देख रहे हैं? मौजूद हूँ गवर्नर हाउस जाने वाले रोड के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी की निकासी का जो काम है वो कल रात से ही जो है जारी है, लेकिन ताहाल अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पानी की सूरत हाल है वो आपके सामने नजर आ रही है कि गाड़ियाँ यहाँ बंद होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे बाइक्स वालों को मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए कि बाइक्स वाले किस तरीके से यहाँ पे अपनी बाइकें मुश्किल से जो है इस यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रक्षा यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो रेड जोन के अतराफ का एरिया जो हम बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वजीर आला हाउस के सामने बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल साफ है, पानी की एक बूंद नजर नहीं आ रही। अगर दूसरी जानब अगर हम देखें तो गवर्नर हाउस की बात करें तो गवर्नर हाउस के सामने भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथराई का सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें उसके अतराफ के एरिए तो वहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का वहाँ से गुजरना महाल है। चारों अतराफ की अगर हम बात करें, चारों अतराफ जो है रोड के ऊपर जो है मुसलसल जो है निकासी आपकी जो है कोशिशें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह एक गाड़ियों की सूरत हाल है, आप मेरे पास देख सकते हैं कि बात करते करते यहाँ पे एक गाड़ी बंद हो चुकी है, यहाँ पे बाइक बंद हो चुकी है। तो ओवरऑल यहाँ पे लोगों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि सिर्फ दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि निकासी आपके लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए, लेकिन बारिश होने के बाद हम देख सकते हैं कि कोई सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है और लोग शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, तो बारिश के बाद कराची की सड़कों पर जमा होने वाले पानी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा किस तरह की मुश्किलात का सामना है कराची वालों को? नाकिस मंसूबा बंदी के बायस अब्रे रहमत जो है वो जहमत के अंदर तब्दील हो चुका है। कराची में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, उसमें वक्फा आया, लेकिन उसके बाद कराची की जो सड़कें हैं वो समुंदर और दरियाओं का जो है मंजर पेश कर रही है। पीछे भी देखिए कि ये मेन DHA का एक इलाका है कि जहाँ से जाना है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ फंस रही हैं, वापस आ रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि बारिश हो गई, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ तमाम यहाँ पे फंस रही हैं, उसके बाद ना तो KMC नज़र आ रही है, ना DHA के इलाकों में DHA की इंतजामिया, ना कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके जो जेर इंतजाम है, कंटोनमेंट बोर्ड कोई भी नहीं। कराची को किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? इस तरह का जो नाकिस इंतज़ाम है उसकी जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गवर्नमेंट के ऊपर से एक पर्दा चाक कर दिया है। देखिए कि जैसे कराची के शहरी जो है, और ये अगर हमारा कैमरा दिखाए कि वो ये कुरंगी रोड है और वहां से देखिए कि लोग, एक तो कचरा यहाँ से नहीं उठाया गया, बारिश से पहले कराची की सड़कों पर शाहराओं पर कचरा मौजूद था, अब ये देखिए एक बड़े साहब हैं वो भी सोच रहे हैं कि
सर बारिश भी है, कचरा भी है, कैसे पहुंचेंगे मंजिल तक? भाई क्या करें, अब कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा तो जाएंगे। यहाँ पर जो है कि बारिश हो गई है, लेकिन ये देखिए कि ये अगर ये पानी इस तरह जमा है जिसके अंदर मोटरसाइकिलें भी फंस रही हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, लेकिन अभी तक शहरी इंतजामिया समेत कोई भी जो इदारे हैं वो आवाम की दादरसी के लिए सामने नहीं आए कि बारिश, कहा गया था कि बारिश थम जाएगी। अब तकरीबन 7-8 घंटे का वक्फा हो चुका है बारिश में, लेकिन अभी तक कराची की सड़कों और जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ से उसकी निकासी के लिए कोई काम का आगाज ही नहीं किया गया अब तक। जी इसी के ऊपर तमाम तर सूरतहाल के ऊपर मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब। बहुत शुक्रिया अरशद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। सूरतहाल आपके सामने है, किस तरह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और कुछ हलाकतें भी हुई हैं इस सिलसिले में, क्या इकदाम किए जा रहे हैं जिले हुकूमत की तरफ से? अरशद वोहरा साहब क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी। जी अरशद वोहरा साहब क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी 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 खुश आमदीद कहते हैं आपको। कराची की सूरतहाल आपके सामने है, जो सड़कें हैं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जगह जगह पर पानी है, कचरा भी है और हलाकतें भी कुछ हुई हैं इस तमाम तर सूरतहाल के बाद, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें हमारा जो मेजर नाले है ना, दिसंबर में जब बारिश आई थी तो आपने देखा होगा कि दिसंबर की बारिश में पानी कराची से खड़ा नहीं था। खैर उस बारिश की जो है वो बारिश इस नौयत की थी जितनी तेज ये बारिश है। जब ये नालों की सफाई, जिसपे नालों में चोकिंग पॉइंट है जिसको क्लियर किया जा रहा है, ये जैसे ही क्लियर होते चले जाएंगे, हो रहे हैं, 5 नालों पे काम हो रहा है, ये पानी बैठना शुरू हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कल हमने जब दोपहर तक, कल बल्कि सुबह अगर आपने नोट किया हो तो हम अंडर पासेज और तमाम जगह क्लियर थी, लेकिन उसके बाद फिर जो ये शाम वाली बारिश हुई है ये बहुत हैवी रेन थी और उसके बाद जो इम्पैक्ट आया पूरे शहर में, उसका जो पानी जमा हुआ हुआ है और खासतौर पर गलियों मोहल्लों में, तो वो उसमें हमारे सब 5 नालों पे काम हो रहा है। उसके अलावा 11 पंपिंग जो मोबाइल पंपिंग स्टेशन चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आज शाम तक कोशिश करके ये पानी तमाम निकल जाएगा। ये कहना कि जमा क्यों हुआ, ये देखें कराची जो है जिस तरीके से कराची डेवलप हुआ हुआ है, कराची में पानी जमा होता है। कराची में कराची को डिजाइन किया गया था, कराची के स्टॉर्म वाटर टैंक को डिजाइन किया गया था 60-70 लाख की आबादी से, आज 2.5 करोड़ की आबादी हो गई है और उसके ऊपर जो है कोई प्लानिंग नहीं है आज कराची पे, अगर हमने प्लानिंग नहीं। लेकिन अरशद वोहरा साहब ये तमाम जो प्लानिंग है ये जिला हुकूमत ने करनी है, बल्दियाती इदारों ने करनी है, आप भी वहां पर मौजूद हैं, मेयर कराची भी वहां पर है, हम देख रहे हैं, हमारी टीमें जो रिपोर्ट कर रही हैं, गुजर नाले की सूरतहाल भी हमने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट की, वहां पर क्या सूरतहाल है, दूसरे जो नाले हैं, कुछ ऐसे अंडर पासिस हैं जहां पर कुछ अमवात भी हुई है, इस तमाम तर सूरतहाल में जिला इंतजामिया कहीं पर मुतहरिक नजर नहीं आती? सर अगर जिले इंतजामिया और जिले इंतजामिया की मशीनरी ना होती ना, ये दो दिन जो कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेज और जिले इंतजामिया के तमाम मुंतखब काउंसलर सड़कों पे ना होते, तो जो बारिश हुई है, जिस तरीके से पानी परसों सारा मेन शाहराओं से निकाला गया, जिस तरीके से ट्रैफिक के फ्लो को 800 से ज्यादा लोगों ने मैनेज किया है, सिटी वार्डन ने, वो अगर ये सिटी इंतजामिया ना होती, बल्दियाती नुमाइंदे ना होते, तो कराची का हाल जो होता वो आप लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। बहुत चीजों को देखें, मैं फिर यही कहूंगा कि ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे बहुत बेहतर तौर पर, खासतौर पर जो मेन शहराएं थी वहां पे ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन रखा गया, जहां पे प्रॉब्लम आई है वहां घंटे डेढ़ घंटे की प्रॉब्लम पानी जमा होने की आई है, मेन शहराओं से पानी निकाला गया है, तो ये सारी चीजें हैं और अभी भी इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला मैंने कहा आज शाम तक कोशिश करके तमाम जगह से पानी हम निकाल लेंगे। ठीक अरशद वोहरा साहब, आपने कहा कि दिसंबर में नालों की सफाई की गई थी और मॉनसून का जो पहला स्पेल है इससे मुताल्लिक पहले से ही आगाही दे दी गई थी, तो फिर नालों की दोबारा से सफाई क्यों नहीं की गई? नालों की सफाई जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने सिंध गवर्नमेंट को समरी इसकी भेज दी थी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इसका अप्रूवल होने में वक्त लगा, लेकिन परसों सीएम साहब ने अप्रूवल जो है जबानी मुझसे कहा कि जो भी काम आपने करवाना है आप करवा लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो उसकी बेस पर नए नालों की सफाई शुरू करवा दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब, डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ थे और इकदामात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते हैं कराची में 2 रोज से जारी बारिश से शहर के बेशतर इलाके और अंडरपास पानी में डूब गए, शहर में बनाए गए अंडरपासेस में पानी जमा होने की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं, लियाकताबाद अंडरपास में मौजूद है 92 न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशद। जी अशद बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, अंडरपासेस भी पानी पानी हुए हैं? 2 दिन से कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि आज भी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो है पेशगोई की गई है कि मुमकिन तौर पे आज 3रे रोज़ भी कराची में जो है वो जम के जो है वो बादल बरस सकते हैं,
लेकिन इंतज़ामिया जो शहरी इंतज़ामिया है जिसके जो मेयर कराची हैं जो इख्तियारात के हवाले से जो है वो बारहा जो है टी वी पर आके इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं और इख्तियारात की जंग लड़ते रहते हैं, लेकिन वही मेयर कराची जिस वक्त कराची के शहरियों को उनकी ज़रूरत थी उस वक्त वो मेयर कराची जो है वो पता नहीं किधर हैं कहाँ हैं। जो ज़रा हैं वो इस हवाले से कन्फर्म करते हैं कि मेयर कराची इस वक्त पाकिस्तान से जो है वो बाहर हैं। जो 5000 नुमाइंदे हैं जो शहरी हुकूमत है वो नुमाइंदे भी दो रोज़ से कहीं नज़र नहीं आए, यही हालत है। इसकी मुँह बोलता सबूत है ये अंडरपास जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं नुमाइंदगान हैं जिनको उस वक्त सड़क पर होना चाहिए था, ये तमाम तर काम जो कि यहाँ पे जो पानी का निकास का काम है, कचरे का जो जगह जगह कचरा जो है ईद के रोज़ से ही जो है कचरा जमा हुआ है उसको उठवाने का काम करना चाहिए था, वो कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आया। यही वजह है कि जो शहरी हैं वो इस सवाल कर रहे हैं कि जो मेयर कराची हैं जिनको जो आवाम ने जिनको मुंतखब किया था वो कहाँ हैं, वो सड़कों पर क्यों नज़र नहीं आ रहे, उनके जो नुमाइंदे हैं वो सड़कों पर क्यों नज़र नहीं आ रहे और क्यों उनकी मदद के लिए नहीं पहुँच रहे। यही वजह है कि पुलिस जो इलाकाई पुलिस है ट्रैफिक पुलिस है और फिर उसके बाद रेंजर्स जो थी वो कल सड़कों पर निकले और जो शहरी जो परेशान हो रहे थे जिनके घरों में पानी पहुंच गया था जिनकी गाड़ियां फंस गई थी उनकी मदद के लिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मदद के लिए आए, लेकिन जिनका ये काम था जो बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान थे वो शहरियों की मदद के लिए नहीं पहुँचे। जी